को मेरा प्रणाम छोटे बड़े सारा प्यार। पुष्पा दोसांझ ब्लॉग में आप सबका स्वागत है। आज ब्लॉग की स्टार्टिंग कर रही हूँ मैं दोसांझ जी की शॉप से, और अभी जा रही हूँ शाम के समय कहीं घूमने और साथ साथ ब्लॉग भी बनाने, आपको फिर दिखाते हैं थोड़ी देर में। हम बैजनाथ पुल पे पहुँचे हैं, ये हमारे वहाँ का फेमस पुल है और कितनी अच्छी नदी बह रही है यहाँ पे। एक महिला कपड़े भी धो रही है, बर्तन भी साफ कर रहे हैं, हो सकता है उनके नल में पानी ना हो। देखो नदी बिल्कुल बह रही है, कितनी सुंदर लग रही है, और इधर उधर दोनों साइड पेड़ हैं। हम चल चुके हैं रंगोली वाली रोड पे और चारों ओर का व्यू देखिए थोड़ा, कितना अच्छा लग रहा है बहुत ज्यादा। लेकिन हम फिर भी चल पड़े हैं दोस्तों। मैंने यही स्कूटी सीखी है, इससे पहले ब्लॉग में मैं आपको बता चुकी हूँ, तो जब भी मैं यहाँ से नीचे ऊपर जाती हूँ तो एक राउंड जरूर लगा लेती हूँ। कई बार मैं यहाँ पे दंड की, कई बार मेरे पाँव में भी लगी, लेकिन मुझे ये जगह बहुत अच्छी लगती है। कमी है तो अभी भी पुराने जल स्रोत को कैसे बचा के रखा है, कैसे पानी को संचय करके रखते हैं और कैसे वहाँ से पानी ले जाते हैं, मैं दिखाती हूँ। ये है हमारी प्राचीन धरोहर जो आज भी जिंदा है। तो ये पानी जो है नीचे से थोड़ा थोड़ा करके आता है ऊपर को, और पूरा नौला डबा डब हमेशा आप लोगों को भरा मिलेगा, बिल्कुल जैसे पानी की टैंकियाँ होती हैं वैसे ये नौला भी होता है। इसमें बिल्कुल शुद्ध पानी निकलता है, नीचे से निकलता है, इसमें जमीन से निकलता है और ऊपर को बिल्कुल भरा रहता है। दोस्तों उत्तराखंड हमारी देवभूमि है, तो यहाँ पे नौलू को देवी देवताओं का ही एक आशीर्वाद माना जाता है, क्योंकि यहाँ पे अपने आप ही जल स्रोत फूटे हैं। तो इसलिए यहाँ पे मैं थोड़ा पानी भी, मुझे प्यास भी लगी, मैं पानी भी पी लेती हूँ। तो अब जूते उतार के जाती हूँ, जूते पहन के नहीं जाते हैं नौली में। अधिकतर गांव में अभी भी आप लोगों को ये नौले मिल जाएंगे, लेकिन कहीं कहीं पे अभी जीर्ण स्थिति में है। लेकिन यहाँ पे इस गांव में पानी की कमी है, तो यहाँ पे अभी भी नौलों को सजो के रखा गया है। गर्मी के दिनों में नौले में पानी कम हो जाता है, तो बहुत सी महिलाएं पानी के लिए जब आती हैं तो यहाँ पे लाइन लग जाती है। तो एक स्थिति ऐसी आ जाती है कि नौले में बिल्कुल पानी कम हो जाता है, फिर ग्लास या एक छोटे कटोरे से पानी भरा जाता है। ऐसे ही जग में होती है सुबह हो, ऐसे ही शाम ढले, नीले गगन के तले धरती का प्यारी पले। दोस्तों अभी अभी नौले में हमारी तीन बहनें आ गई हैं। आप लोग रोज आते हो यहाँ पानी के लिए? अच्छा, घर में पानी है कि नहीं है? अच्छा, पीने के लिए शुद्ध है ना यहाँ का पानी? अभी मैंने भी पिया, बहुत ही अच्छा है। हाँ, आपका घर कहाँ पे है? यही ऊपर पे है। और यहाँ का पानी बहुत अच्छा है क्या? मीठा पानी आती गई ना, तो मैंने देखा वहाँ पे जैसे नौले वगैरह से ना, तो वो मतलब उनकी देख रेख भी नहीं थी, लोग पानी भी उतना नहीं जाते थे। तो आप लोगों ने तो यहाँ इतना अच्छा पानी पीना चाहिए, अच्छा होता है और नौला को साफ रखना चाहिए। शाम को आ जाओगे आप लोग? फिर मिलेंगे, फिर कभी यहाँ पे मिल जाऊंगी मैं आपको। व्लॉग में दिखोगे रात को? देखना फिर आप लोग, कभी ब्लीचिंग वगैरह का भी छिड़काव कर देना, क्लोरीन वगैरह डालना। ओके बाय। अभी आई हूँ मैं मेला डूरी के चाय पत्ती के बागान में। यहाँ के लोगों ने मेहनत करके इन लोगों की घास की जो मांगे थे, तो उनको इन्होंने खोद खोद के, सीढ़ी नुमा थे बिल्कुल, तो खोद खोद के इन लोगों ने यहाँ पे पूरी चाय पत्ती लगाई है, जो कि इनके आय का बहुत अच्छा स्रोत भी है और इनकी मेहनत का परिणाम इन लोगों को मिल भी रहा है।
इन लोगों का इससे मतलब जीवन यापन भी अच्छा हो रहा है। तो यहाँ पे चाय पत्ती के बागान बहुत ही सुंदर हैं, दूर दूर से लोग यहाँ देखने आते हैं। आप भी देखिए चारों ओर कितना अच्छा व्यू है चाय पत्ती के बगीचों का। और मेरी देवरानी का बेटा यहाँ पे आए हैं अभी हनी, और ये डर के मारे हमेशा मास्क पहने, कोरोना गए एक साल हो गया लेकिन इसका मास्क उतरता नहीं है। हनी हाय बोल दे मेरे फ्रेंड को। हाय दोस्तों, जहाँ एक ओर लोग आज पलायन कर रहे हैं वहीं दूसरी ओर हमारे मेला डूंगरी के लोग हमारे इन कर रहे हैं, वहीं हमारे मेला डूंगरी के लोग फुलवाड़ी कोट फुलवाड़ी के लोग और हमारे यहाँ कुमाऊँ के लोग इतनी मेहनत करके अपनी बंज तोड़ते हो। कितने बजे? अगले हर सोमवार को। अच्छा तो फिर यहाँ कोई लेने आते हैं चाय पत्ती? कहाँ पहुँचाते हो? अच्छा नीचे पहुँचाते हो। अच्छा गोल गोल क्या पूछो। और जो इनमें गोल गोल डालने लगे हैं बच्चा, ये क्या है? इनके बीज हैं तो इनसे फिर ये उग जाते हैं। तो जब आप ना एक और लोग पलायन कर रहे हैं वहीं हमारे पहाड़ के लोग हमारे मेला डूंगरी के लोग बंजर जमीन को खोद के इतनी उपजाऊ बना दी उन्होंने कि यहाँ पे चाय पत्ती के इतने सारे बागान लगा दिए, क्योंकि उनका जो मुख्य आय का जो मुख्य स्रोत है वो कृषि है, वो बागवानी है। तो बहुत अच्छा लगता है जब ऐसे हम देखते हैं कि मेहनत करते हुए। अभी हमारी ये दो बहनें घास काट के आ गए हैं क्योंकि यहाँ जो ये कदू फला पहाड़ हमारो चलो घूमी आला, दुखियों गे सुख मिलो लो चलो घूमी आला, बंजर ये खेत में चाय उगाई हाली हमारा किसान ले कस कमाल कर दियो। दोस्तों खुश रहने के लिए कोई जादू की छड़ी आपके आगे से नहीं घुमाई जाती। खुश रहने के लिए जैसे आप कहीं भी जा रहे हैं जहाँ पे आपको अच्छा लगे खुश हो जाओ। तो रबा है अब है जो है वो समा है तुम रह सके ऐसी जीत, अब चाहे जिंदगी ऐसी जीत, अब चाहे जिंदगी है। ये गरुड़ का विद्युत विभाग है, यहीं से पूरे गरुड़ ब्लॉक को बिजली सप्लाई होती है। यहाँ से मेला डूंगरी का अमृत सरोवर, ये एक गरेड़िया गरेड़ा है छोटा सा, आज तक इसका पानी वैसे ही वेस्ट होता था तो यहाँ पे इसका क्या कहते हैं गरेड़िया गरेड़े से उसका निर्माण किया गया है। सुंदर सी झील का सुंदर सरोवर का कितना प्यारा है आप देख सकते हैं। साइड में आते हैं तो यहाँ तक आप लोग घूमने आ सकते हैं और थोड़ी देर यहाँ बैठ के यहाँ के शांत वातावरण का आनंद आप लोग ले सकते हैं। पोस्टर के माध्यम से हमारी कुमाऊँ की संस्कृति झलक रही है। तो हम पहुंच चुके हैं खैर, अगर आपको मेरा ब्लॉग पसंद आए तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जो पहली बार मेरे चैनल से जुड़े हैं सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय, कल फिर मिलेंगे नए ब्लॉग के साथ।